बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर कुछ देर में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक बड़ी बैठक होगी। चार राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले होने वाली इस बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्रियों का मार्गदर्शन करेंगे। बैठक में सदस्यता अभियान, संगठन चुनाव पर चर्चा की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, अब से कुछ ही देर बाद इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक बड़ी बैठक होनी है। चार राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ठीक उससे पहले इस बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्रियों का मार्गदर्शन करेंगे कि आने वाले चुनावों में जो है किस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जा सकता है, जनता का विश्वास जीता जा सकता है। और बैठक में सदस्यता अभियान, संगठन चुनाव पर चर्चा की जाएगी। जो जानकारी अब तक मिल रही है, अब से कुछ ही देर बाद इस बैठक की शुरुआत की जाएगी। आने वाले समय में चार राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले ये एक बड़ी बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो है की जानी है। चुनावों में किस तरीके की रणनीति बनानी है, भारतीय जनता पार्टी का मंत्र क्या होगा और केंद्र सरकार की क्या योजनाएं जिनको लेकर जनता तक पहुंचाना है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। सीधे ले चलते हैं ग्राउंड पर, जहां पर मेरे सहयोगी दिल्ली से यतेंद्र शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, कितनी देर बाद इस बैठक की शुरुआत होगी और इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिन पर बातचीत की जाएगी, एक बार विस्तार से बताइए। देखिए, बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक 2:30 बजे शुरू होगी, यानी कि करीब करीब आधा घंटा बाकी है जब ये बैठक शुरू होगी। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका उद्घाटन भाषण होगा। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे जो इस पूरी बैठक का समापन करेंगे। लेकिन इस पूरी बैठक का जो मुख्य एजेंडा है वो सदस्यता है, यानी कि मेंबरशिप ड्राइव के बारे में बताया जाएगा, उसका पूरा रोड मैप रखा जाएगा, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेशों के संगठन मंत्री और महामंत्री जितने भी हैं, और जो मेंबरशिप की कमेटी है उन सबके पदाधिकारियों को बुलाया गया है। खासकर मेंबरशिप अभियान उन राज्यों में नहीं चलाया जाएगा अभी जहाँ पर चुनाव होने हैं, जो चार राज्यों में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड, इन राज्यों में अभी सदस्यता अभियान को बंद रखा जाएगा। बाकी सभी राज्यों में सदस्यता अभियान 1 सितंबर से शुरू होगा। सदस्यता अभियान भी दो चरणों में शुरू किया जाएगा, 1 सितंबर से 25 सितंबर और उसके बाद 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक का ये सदस्यता अभियान चलेगा। फिर उसके बाद सक्रियता सदस्यता अभियान चलेगा। आज उसका पूरा रोड मैप सभी पार्टी पदाधिकारियों को बताया जाएगा। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष भी इसमें आगामी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन पूरा जो मुख्य फोकस है वो सदस्यता अभियान को लेकर ही होगा, क्योंकि सदस्यता अभियान के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। उसी समय उसी के बाद मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, यानी कि सदस्यता अभियान शुरुआत संगठन चुनाव की शुरुआती तौर पर इसे देख सकते हैं। और उसके बाद 5 या 6 महीने लगेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर। उससे पहले इस अभियान के माध्यम से जो 11 करोड़ सदस्यता है बीजेपी की, उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने की कोशिश की जाएगी। एक नया टारगेट दिया जाएगा और उस टारगेट के तहत, वो टारगेट पूरा हो उसके लिए सभी राज्यों के सदस्यता प्रमुखों की, यानी कि जो उसके प्रभारी होंगे, उनकी भी घोषणा यहाँ पर की जाएगी। बिल्कुल यतेंद्र, नजर बना के रखिएगा, फिर लौटेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पतंजलि गोना